तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है URL, वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट वन पे आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिखेगा URL, और ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आता है। तो आप शॉर्ट नोट्स में आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। URL बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इस टॉपिक को हम आज देखेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए चालू करते हैं URL के बारे में जानना। URL का नाम आपने कई बार सुना होगा। URL का पूरा नाम जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इंटरनेट पे बहुत सारी फाइलें होती हैं, उसमें उन फाइलों को या किसी इमेज को, ऑडियो वीडियो, किसी भी तरीके के डेटा को रिसोर्स कहा जाता है इंटरनेट पर। तो रिसोर्स जो है वो अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग ड्राइव में अलग अलग फाइल में होते हैं। जैसे गूगल का कोई डेटा किसी दूसरे सर्वर पर या गूगल के सर्वर पर किसी हार्ड डिस्क में होगा, याहू का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर होगा। तो हर रिसोर्स यानी कि हर डेटा यानी कि हर फाइल का एक लोकेशन होता है। तो उस लोकेशन से ही हम उस फाइल को उस सर्वर से अपने क्लाइंट सिस्टम पे ट्रांसमिट करते हैं, तभी वो हमें दिखाई देता है या उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमें उस सर्वर का या उस रिसोर्स का लोकेशन बताना होता है कि हमें इस सर्वर से इस फाइल को देखना है, तब इंटरनेट का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस सर्वर के पास जाता है, सर्वर में कुछ मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी में फिर उस फाइल को वो ट्रांसमिट करता है आपके कंप्यूटर पर। तो ऐसा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था जो कि पहले न्यूमेरिकल सिस्टम था। हमें एक नंबर देना होता था, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है। हम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर हैं, मैं किसी एक नंबर को डायल करता हूं और उसका डेटा या उसकी कॉलिंग या उसकी वॉइस मुझ तक पहुंच जाती है। पहले इंटरनेट पर भी ऐसा हुआ करता था, मुझे कोई भी डेटा अगर देखना है तो उसका एक हर रिसोर्स का, यहाँ पर हम मोबाइल पर हम पर्सन बोलते हैं, इंटरनेट पर हर रिसोर्स का एक नंबर होता था। तो अगर आपको 10 रिसोर्सेज को बार बार लोड करना है तो आपको 10 नंबर को याद रखना पड़ता था, जिसको आईपी नंबर कहते हैं या आईपी एड्रेस कहते हैं। तो हर रिसोर्स का एक आईपी नंबर होता है या आईपी एड्रेस होता है, और उसके द्वारा हम उस कंप्यूटर से जाकर के कोई भी रिसोर्स को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ये इंटरनेट की वर्किंग होती है। लेकिन इतने सारे नंबर्स को याद रखना मुश्किल है, इसलिए URL बनाया गया। URL को हम काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक URL देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है http://www.google.com। ये जो लिखा हुआ चीज़ है इसको URL बोलते हैं। ये गूगल का URL है, यानी गूगल का जो सर्च इंजन है, अगर मुझे उसे ओपन करना है तो उसका एक नंबर ना दे करके मैं इस URL को लिख दूंगा, तो URL का जो कंसेप्ट है, जो बैकग्राउंड वर्किंग है, ये इस URL को गूगल के सर्वर के जो नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देती है। URL एक प्रकार से हमारे काम को आसान करने का तरीका है। तो URL कुछ भी नहीं है, जैसे आप किसी वेबसाइट का नाम लेते हैं www. जैसे दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है या साई कॉलेज की जो वेबसाइट है, साई कॉलेज की जो वेबसाइट है उसका नाम होगा, आप देखेंगे नेट पर http://www.saicollege.org। ये जो पूरी चीज आप जैसे ही अपने वेब ब्राउजर पे लिखेंगे तो ये साई कॉलेज का के ऑफिशियल पेज का URL है, उस वेबसाइट के नाम को ही URL कहा जाता है। और ये इंटरनेट में साई कॉलेज का जो सर्वर है उसमें से साई कॉलेज का पेज उठा के आपको दिखा देगा। एक्चुअली इस पेज को दिखाने के लिए एक नंबर होता है, बट वो नंबर याद ना करना पड़े इसलिए URL बनाया गया है। जैसे कि मोबाइल पर पहले टेलीफोन लाइन होता था, उसमें हम नंबर डायल करते थे, लेकिन अब मोबाइल पर हमें नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नाम सर्च करते हैं और डायल कर देते हैं। तो जो नाम सर्च करते हैं तो फिर जो नाम होता है वो एक्चुअली उस एक नंबर को सेव करके रखा रहता है, उस नंबर पे रीडायरेक्ट कर देता है। क्लियर है? सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर भी, कि आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ URL लिखेंगे तो वो उसको उस नंबर पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो अगर मोबाइल पर आप कॉन्टेक्ट सेव करते हैं तो सेम उसकी जो वर्किंग होती है वो URL के जैसे ही होती है। तो URL भी आपका एक नंबर में कन्वर्ट करता है URL को, जिसको IP एड्रेस बोलते हैं।
आगे देखते हैं URL का फुल फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये आप सभी को पता चल गया है। जो किसी वेबसाइट या वेबसाइट के किसी पेज को रिप्रेजेंट करता है, हर एक URL किसी एक पेज को या वेब सर्वर को या वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है या उस तक पहुंचाता है हमको। URL में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पार्ट है प्रोटोकॉल, हम किस प्रोटोकॉल के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा होता है। और प्रोटोकॉल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि कई प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। यहाँ पर हमने HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया है जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और एक वेब पेज को डिस्प्ले करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ तो उसका प्रोटोकॉल FTP:// www. जो सर्वर है उसका नाम स्लैश फाइल का नाम, जैसे unit1.pdf। तो इस प्रकार का जो URL होगा वो किसी फाइल को डाउनलोड करेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पांच हिस्से होते हैं URL में। HTTP जो पहला हिस्सा है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसमें हमें प्रोटोकॉल को डिफाइन करना होता है और ये ऑप्शनल है। आपको बता दूं आजकल के जो वेब ब्राउजर है वो थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं। पहले के वेब ब्राउजर में आपको HTTP वगैरह लिखना पड़ता था, आजकल के वेब ब्राउजर में HTTP वगैरह नहीं लिखने पर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है और प्रोटोकॉल को ऐड कर लेता है। यानी किसी URL का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल कई टाइप के हो सकते हैं, उनमें से कोई एक प्रोटोकॉल का आप यूज कर सकते हैं URL में। दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम किसी वेबसाइट का या वेब सर्वर का एड्रेस होता है, जैसे गूगल हो गया या इस तरीके कोई भी डोमेन जो है उसके सर्वर का नाम होता है और गूगल की जो IP है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपका अगला पार्ट जो है वो दिख रहा है www। ये एक सर्विस है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। उसके बाद आपका संस्था का नाम आप दिख रहे हैं यहाँ पर याहू लिखा हुआ है। और अच्छा, मैं डोमेन के लिए आपको बता दूं, डोमेन भी कई टाइप के होते हैं। डोमेन को दो तीन हिस्से में बांट सकते हैं, सब डोमेन भी होता है और प्राइमरी डोमेन भी होता है। तो आप किसी एक सर्वर को कई हिस्से में भी डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स भी होते हैं, जैसे गूगल का सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये है कि आपका गूगल का एक ही सर्वर नहीं है, कई सारे सर्वर हैं, और इसीलिए कभी भी आप कितना भी उसमें वीडियो देखिए, यूट्यूब में वीडियो देखिए, गूगल में कितना भी सर्च करिए, कभी सर्वर डाउन नहीं होता। लेकिन आप कभी देखेंगे कि किसी 10th या 12th का रिजल्ट आता है और जैसे ही अभी आप रिजल्ट एक साथ सभी लोग देखना चालू करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि गूगल का जो सर्वर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और भीड़ को अलग अलग करता है। यानी कि इंडिया के लिए अलग सर्वर है, अमेरिका के लिए अलग सर्वर है, चाइना के लिए अलग सर्वर है। अगर इंडिया से कोई पर्सन सर्च करता है तो वो दूसरे सर्वर पर लोड जाता है, जबकि चाइना पे सर्च किया जाने वाला जो चीज़ है वो दूसरे सर्वर पर जाता है। और इंडिया का जो सर्वर है वो भी कई तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक ना होकर के कई ज़्यादा संख्या में होता है। इसलिए बड़े बड़े अमाउंट के डेटा, बड़े बड़े अमाउंट के वीडियोज़ आप उसमें अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, सर्वर कभी डाउन नहीं होता। अगर कोई एक सर्वर कभी डाउन हो भी जाता है तो वो दूसरे सर्वर पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसलिए आज तक कभी फेसबुक और गूगल का सर्वर आपको डाउन होता हुआ नहीं दिखा होगा, क्योंकि डाउन होने पर अगर मान लीजिए इंडिया का सर्वर डाउन हो जाता है तो जब भी आप google.com करेंगे तो फिर वो दूसरे सर्वर से आपको डेटा दिखा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर्वर डाउन है। नीचे आप देख रहे हैं .com लिखा है, ये डोमेन एक्सटेंशन होता है। इससे पहचाना जाता है कि डोमेन किस टाइप का है। डोमेन का टाइप जानना भी बहुत जरूरी है, ये भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। डोमेन नेम का जो उद्देश्य है वो किसी वेबसाइट को पहचानना है। डोमेन नेम से ही वेबसाइट को पहचाना जाता है, जैसे गूगल है, गूगल एक डोमेन नेम है। तो उस गूगल के अंदर भी कई सारी चीजें होंगी, गूगल का पेज होगा, जैसे याहू है, याहू का सर्च इंजन है, याहू का मेल है, उसका सेंट मेल है, उसका रिसीव करने वाला बहुत सारे पेज हैं। तो प्राइमरी डोमेन जो है उसका वो याहू कहलाएगा और उसके अंदर कई सारे सब डोमेन्स हैं। जैसे आप गूगल की के डोमेन के बारे में मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ओपन करके दिखाऊंगा कि गूगल कितनी सारी सुविधाएं आपको प्रदान करता है, और उस डोमेन के साथ साथ उसका यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दिया रहता है ताकि ये इससे पता चल सके कि ये किस टाइप का डोमेन है। डोमेन का टाइप बताता है ये।
यहाँ पर .org लिखा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के डोमेन्स को यूज करते हैं। इसका उद्देश्य साफ साफ ये है कि कभी भी दो डोमेन जो है वो रिपीट ना हो। इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डोमेन्स के मुख्यतः 6 प्रकार के जो डोमेन्स हैं उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पर 6 प्रकार के डोमेन नेम यहाँ पर लिखे हैं। आप कभी भी किसी भी वेबसाइट में इस तरीके का देखेंगे, .com लिखा हुआ, .edu, .gov और इसके अलावा भी .in आप देखते होंगे कभी, gov.in वो इंडिया के लिए है, IN जो है वो इंडिया के लिए रहता है। अब इनमें अंतर क्या क्या है इसमें हम देखते हैं। कॉम जो है वो कमर्शियल वेबसाइट के लिए बनाया हुआ डोमेन है, edu जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट के लिए बनाया गया है, gov जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए बनाया गया है, mil मिलिट्री वेबसाइट्स के लिए बनाया गया है और ये सिक्योर्ड होता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है वो ORG से बनाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन जो है होगा वो यहाँ पर ये होगा कि इनको अलग अलग करने का क्या मतलब है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि 2-3 कंपनियाँ हैं, जियो है, मोबाइल की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, रिलायंस है, आइडिया है। रिलायंस ने कोई नया नंबर जनरेट किया, मान लीजिए उसने नंबर जनरेट किया 10x9, मैं सिंपल नंबर दे रहा हूँ। रिलायंस ने कोई नया मोबाइल नंबर जनरेट किया है 9999999 ऐसा जनरेट किया, लेकिन आइडिया ने भी यही नंबर जनरेट कर दिया 9999999, तो दोनों का नंबर जो है वो क्लैश हो जाएगा। इस तरीके से क्लैशिंग ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसका डोमेन नेम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसको इंडिया के एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर किसी स्टूडेंट का या किसी पर्सन का नंबर मोबाइल नंबर ये है 98271 और 11111, ये मान लीजिए किसी पर्सन का नंबर है इंडिया में। सेम यही नंबर किसी का चाइना में भी होगा अगर वहाँ पर आइडिया की सर्विस चल रही है। मान लीजिए आइडिया का सिम है और चाइना में भी अगर आइडिया की सर्विस चल रही है या आइडिया की सर्विस नहीं चल रही है, मान लीजिए वहाँ पर जियो की सर्विस चल रही है, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे जो जियो कंपनी है या वहाँ पे कोई और XYZ कंपनी है अमेरिका में, वो ये नंबर अलॉट नहीं करेगी किसी को। आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने घर में किसी बच्चे का नाम अगर रोहन रखते हैं तो आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि किसी दूसरे घर में बच्चे का नाम रोहन नहीं रखा जाएगा, वो भी अपना नाम रोहन रख सकता है। तो किस तरीके से पहचाना जाएगा कि ये वाला जो रोहन है या ये वाला जो पर्सन है ये वाले पर्सन से अलग होता है, तो उसके साथ यहाँ पर इंडिया के लिए यहाँ पर कोड लगाया जाता है +91 और अगर ये USA में है तो इसका कोड लगाया जाता है +1। तो यहाँ पर इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये जो नंबर है वो इंडिया के किसी पर्सन का नंबर है और ये जो नंबर है वो USA के किसी पर्सन का नंबर है, हालांकि दोनों का नंबर सेम है। इसीलिए डोमेन नेम लगाया जाता है, क्योंकि अगर कोई सर्वर इंडिया पर है और उसने अपना डोमेन नेम दिया मान लीजिए गूगल, और कोई सर्वर अगर USA में है उसने भी नाम दे दिया गूगल, तो दोनों नाम सेम हो जाएंगे। तो जब यूजर गूगल सर्च करेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, ये वाला गूगल दिखाई देगा कि ये वाला गूगल दिखाई देगा। तो अगर इंडिया का कोई सर्वर है तो google.in और USA का है तो ऐसे। इस तरीके से जो ये लगाया जाता है एक्सटेंशन वो डिफरेंशिएट करता है नाम को, नाम का जो क्लैशिंग होती है, डोमेन नेम का जो क्लैशिंग है उसको रोकता है। ये क्लियर हो गया होगा सभी को। तो इस तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई वेबसाइट अपना बनाएंगे तो वो अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे साई कॉलेज अपना नाम रख सकता है saicollege.org या google.org भी रख सकता है, लेकिन जब मुझे गूगल सर्च करूंगा तो google.com सर्च करने पर गूगल की वेबसाइट ओपन होगी और google.org सर्च करने पर उसका नाम वो साई कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाएगा। क्लियर है। इसलिए ये डोमेन नेम्स को अलग अलग किया गया है, 6 टाइप के डोमेन नेम्स बनाए गए हैं, इनका नाम आप याद रख लेंगे, एग्जाम में आता है।
अगला है यूआरएल कैसे काम करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेट पर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक लोकेशन का, हर एक रिसोर्स का एक नंबर होता है जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे गूगल का जो ये गूगल का यूआरएल है www.google.com, यहाँ पर HTTP या प्रोटोकॉल वाला हिस्सा हाइड है, वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। एक्चुअली गूगल का जो पेज है वो इस नंबर से ओपन होता है, अगर आप ये वाला नंबर टाइप कर देंगे 62.233.167.99, ये USA के सर्वर का नंबर है। तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो वो USA का जो सर्वर है उसके सर्वर से गूगल का पेज ओपन करके आपको दिखा देगा। लेकिन ये नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल है, इस तरीके से आपको अगर 10 वेबसाइट का नंबर याद रखना पड़े तो बहुत मुश्किल होगा, और एक भी नंबर आपने मिस कर दिया तो वो अब वेबसाइट आप ओपन नहीं कर पाएंगे। जैसे सेम ऐसा पहले होता था मोबाइल नंबर के साथ, आपको 10 लोगों का मोबाइल नंबर लिख लिख के रखना पड़ता था, और जिसको भी फ़ोन लगाना होता था उसके नंबर डायल करने होते थे, एक भी नंबर इधर होता था तो फिर क्या होता था, सामने वाले को कॉल ना जा करके दूसरे को कॉल चला जाता था। तो उसका उसको आसान करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर एक एड्रेस बुक बनाया गया जिसमें आप किसी नंबर को किसी नाम से स्टोर कर देते हैं, और उस नाम को जब भी डायल करते हैं तो ये नाम जो है इस नंबर पे रीडायरेक्ट कर देता है। सेम यही चीज़ जो है वो यूआरएल करता है, पहले इस नंबर को डायल करना होता था, अब क्या करते हैं हम google.com लिखते हैं और वो इस नंबर को रीडायरेक्ट करके गूगल का पेज ओपन कर देता है। तो ये हमारे लिए याद रखना काफ़ी आसान है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, भूलेंगे नहीं, और दूसरी बात है कि हम सिर्फ गूगल लिखेंगे और ये पॉपुलर भी हो जाता है, काफ़ी आसानी से पॉपुलर हो जाता है वेबसाइट के नाम। तो ये गूगल का यूआरएल है और ये गूगल का आईपी एड्रेस है। इसको ब्राउज़र के यूआरएल में हम लिखते हैं तो वो DNS डोमेन नेम सिस्टम एक सर्विस होती है जो यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखते हो www.google.com तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास एक सिस्टम होता है जिसमें जिसको DNS बोला जाता है, DNS उसको इस एड्रेस पे कन्वर्ट करता है नंबर पे और फिर आपका पेज ओपन कर देता है। शुरुआत में सिर्फ आईपी एड्रेस लिखा करते थे ये वाला, जब शुरू में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो ये नंबर्स याद रखने पड़ते थे, नंबर्स को लिख लिख के रखना पड़ता था और उन्हें टाइप करना होता था, तब जाके कोई वेबसाइट ओपन होती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस काम को आसान करने के लिए यूआरएल बनाया गया, और यूआरएल को मेंटेन करने का काम करता है डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर है? फिर छोटा सा टॉपिक था आपका यूआरएल के ऊपर, और ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं 5 मिनट का, और फिर डाउट सेशन चालू करेंगे। अब यहाँ पर अपना कोई भी वेब पेज अगर ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ www.google.com। क्लियर, ये गूगल का यूआरएल है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो डोमेन नेम, सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है वो डोमेन नेम के पास जाती है, डोमेन नेम के पास जाने के बाद डोमेन नेम सर्वर जो है, सिस्टम जो है, वो उसको गूगल की आईपी पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और आईपी पे कन्वर्ट करने के बाद ये पेज हमें ओपन हो गया। ये जो पेज दिख रहा है ये यूएसए में या कहीं पर किसी सर्वर के किसी कंप्यूटर पर रखा होगा, वो चीज़ हमको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये URLs हैं, और गूगल जो है वो URL को ही सर्च करता है। अगर आप मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे मान लो मुझे URL भी याद नहीं है, 100 वेबसाइट है, मुझे URL भी याद नहीं है, मान लीजिए मुझे साईं कॉलेज का URL याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ ऐसे साईं कॉलेज, यहाँ पर तो आ गया collegevilai.com। ठीक है, तो अगर आप गलत URL देंगे तो पेज ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस नाम की कोई भी URL या वेबसाइट नहीं है। अब मैं ये URL भी भूल जा रहा हूँ, एक नई समस्या, पहले नंबर याद रखना पड़ता था तो उसके लिए URL बना, अब हजारों वेबसाइट हो गई हैं तो हजारों URL की स्पेलिंग याद नहीं रखना पड़ रहा है, तो उसके लिए बना था गूगल। अगर मुझे साईं कॉलेज का URL नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साईं कॉलेज भिलाई, तो ये मुझे URL ढूंढ के देगा। देखिए साईं कॉलेज भिलाई का URL है saincollege.org, तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा saincollege.org तो पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए तीसरा स्टेप है,
तो साईं कॉलेज की जो वेब पेज का जो URL है वो ये है। अगर ये URL भी आप याद नहीं रख पाते हैं तो आप गूगल की मदद से URL को सर्च कर सकते हैं, यहीं पे क्लिक कर सकते हैं। गूगल URL को ही सर्च करता है, और URL को सर्च करने के लिए उसने मैंने बताया था स्पाइडर टेक्निक का यूज़ करता है। स्पाइडर टेक्निक को भी मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे ही पहली बार किसी ने यह साईं कॉलेज भिलाई को सर्च किया होगा और इस पर क्लिक किया होगा तो ये पेज ओपन हुआ। अब गूगल क्या किया, ये पेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है saincollege.in, ये इसे भी सर्च कर लिया होगा। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जब माउस रख रहा हूँ तो नीचे इस इमेज के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा। जैसे मैं इसके ऊपर माउस रखता हूँ, देखिए mail2bookings@englishstudio.com, यानी कि अगर कोई इंग्लिश स्टूडियो सर्च करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं साईं कॉलेज का नाम भी आ सकता है, इस पर भी चला जाएगा वो। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑनलाइन मैंने इस पे जैसे क्लिक किया, यहाँ नीचे पर आता है एड्रेस बार पर। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स में जा रहा हूँ, देखिए नीचे यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्वेश्चन पेपर 2020, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर अगर कोई सर्च करेगा भिलाई में रह करके लोकेशन में तो उसमें साईं कॉलेज का भी नाम आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डाउनलोड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर एक नीचे URL बन गया है। देखिए यहाँ पर अपनी मैं आपको यहाँ पर देखने बोलूँगा, है ना, ये URL के जस्ट ऊपर मैं, आप देखिएगा मैं इसके ऊपर माउस रखता हूँ तो देखिए एक नया URL बना। इसका नाम है www.saincollege.backpanel.pdf, ठीक है। अब मैं इसको अगर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैनल ओपन हुआ PDF वाला। और जब मैं इसको कॉपी करूँगा तो देखिए PDF ओपन हो रहा है। ये PDF जो है वो HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है और रीडायरेक्ट होकर के ये कर रहा है। अगर आप इस PDF को डाउनलोडिंग में लगाएंगे तो वो FTP यानी कि डाउनलोड का जो एजेंट होता है वो FTP के थ्रू आपको डाउनलोड करके देगा। पेज मतलब ये PDF थोड़ी बड़ी है इसलिए लोड होने में समय लग रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर URL का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में रखते ही यहाँ पर नीचे क्या आएगा, साईं कॉलेज जो है प्राइमरी डोमेन है और दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसका वो दूसरे उसमें उसके पेज में जा रहा है। देखिए स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे तो saincollege/management। तो ये था आपका डोमेन नेम, सॉरी टॉपिक आज का था URL। और आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन चालू करते हैं।